कांग्रेस के दुश्मन से अखिलेश यादव करेंगे दोस्ती। राहुल गांधी का न्योता किया नामंजूर। कांग्रेस को चुनौती देने वाले केसीआर का न्योता मंजूर। कांग्रेस के बिना विपक्षी मोर्चा तैयार करने की फिर शुरू हुई कोशिश। तेलंगाना में विपक्षी दलों का लगेगा जमावड़ा, कांग्रेस को न्योता नहीं। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के लिए कहा जाता है कि वो उधार ज्यादा समय तक नहीं रखते हैं, जल्द ही ब्याज सहित उधारी को चुका देते हैं। कांग्रेस ने विपक्षी एकता को लेकर जैसा प्लान तैयार किया, वैसे ही जवाबी प्लान केसीआर ने भी तैयार कर लिया है और कांग्रेस से पहले ही वो अपने प्लान का टेस्ट भी कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका समापन 30 जनवरी को कश्मीर में होना है। समापन अवसर पर कांग्रेस ने श्रीनगर में बड़ी रैली का आयोजन किया है, जिसमें विपक्षी एकता को दिखाने की तैयारी है। इस रैली के जरिए कांग्रेस विपक्षी एकता का नेतृत्व करने का दावा भी अपनी ओर से पेश करेगी। राहुल गांधी को पीएम मोदी के विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा। रैली में शामिल होने के लिए 21 दलों के नेताओं को न्योता दिया गया है, लेकिन 7 दलों को छोड़ दिया गया है, जिसमें भारत राष्ट्र समिति का नाम भी शामिल है। यानी कांग्रेस ने अपनी विपक्षी एकता की कोशिश से केसीआर को दूर रखा है। केसीआर ने तुरंत इसे लेकर कांग्रेस को जवाब दे दिया है। केसीआर ने तेलंगाना के खम्मम में 18 जनवरी को एक बड़ी रैली बुला ली है। इस रैली के लिए कई दलों को निमंत्रण भेज दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब सीएम भगवंत मान, केरल सीएम पिनरई विजयन और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को रैली में शामिल होने के लिए न्योता भेजा जा चुका है, लेकिन कांग्रेस को रैली का न्योता नहीं दिया गया। सपा चीफ अखिलेश यादव ने यूपी में आई भारत जोड़ो यात्रा का न्योता मंजूर नहीं किया था। कांग्रेस के श्रीनगर रैली में भी वो नहीं जाएंगे, ये तय माना जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव ने केसीआर के न्योते को कबूल लिया है। कांग्रेस की तरह केसीआर भी विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे हुए हैं और खम्मम रैली के जरिए वो विपक्षी कुनबे को और मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जिससे अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ा जा सके। और सबसे बड़ी बात तो ये, केसीआर के मोर्चे में कांग्रेस शामिल नहीं है। केसीआर की रैली का न्योता कबूल कर अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बड़ा संदेशा दे दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि भविष्य में वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। अखिलेश कांग्रेस और बीजेपी को एक जैसा बता चुके हैं। हिंदी बेल्ट और खासतौर पर यूपी में कांग्रेस काफी कमजोर है। ऐसे में अखिलेश को कांग्रेस से दूरी बनाने में कोई नुकसान नहीं दिख रहा है। अखिलेश को एहसास है कि अगर सपा कांग्रेस से गठबंधन करेगी तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा करेंगे, जिसका नुकसान सपा को होगा। पहले भी कांग्रेस से गठबंधन करने पर सपा को नुकसान ही हुआ है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश और राहुल गांधी एक साथ चुनावी मैदान में उतरे थे। दो युवाओं के साथ आने से माना जा रहा था कि बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन चुनावी नतीजों में बीजेपी ने एकतरफा जीत दर्ज की थी। इसके अलावा यूपी में कांग्रेस का अधिक वोट बैंक भी नहीं होने की वजह से अखिलेश थर्ड फ्रंट की ओर देख रहे हैं। उन्होंने इसके जरिए संदेश दे दिया है कि वो गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी एकता पर जोर देने वाले हैं। वे कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के मुकाबले क्षेत्रीय दलों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। वैसे भी अखिलेश यूपी के लिए अपनी रणनीति साफ कर चुके हैं। यूपी में वो किसी ऐसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे जो यूपी में अपने आधार का दावा करती हो। कुछ सालों पहले तक कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमने वाली राजनीतिक हवा अब बदल गई है। पिछले कुछ दिनों में अखिलेश यादव की रणनीति से साफ हो गया है कि उनके कांग्रेस के साथ जाने के बजाय थर्ड फ्रंट का हिस्सा बनने से की ज्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही हैं।